Hi everyone, today we're going to discuss another important topic for your UGC exam June 2019. ये topic कुछ ऐसा है जिससे question आपके हमेशा direct आते हैं, आपसे हमेशा direct पूछा जाएगा ये question and आपके ये question आने के chances सबसे ज़्यादा रहते हैं and इनसे आप direct आप easily 4 marks gain कर सकते हैं. So the topic is types of research which are very important for your NET exam. So let's start the topic. जिसमें हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिसर्च बताएंगे प्लस आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाएंगे कि उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. तो आपकी पहली स्लाइड में आपको जैसे आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में हमने बताया है कि ये रिसर्च आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इन्हीं से आपके क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं एग्जाम्स में. अगर आप देखें या तो आपसे आएगा फंडामेंटल रिसर्च से, अप्लाइड रिसर्च से, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या है, आप रिसर्च में क्या करते हैं, जो कि आपको डेफिनेशंस लर्न होना ज़रूरी है. एंड आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो रिसर्च में आते हैं दैट इज़ फ्रॉम टाइप्स ऑफ रिसर्च आपसे पूछा जाता है. आपको या तो उनकी डेफिनेशन दे देंगे, आपको पूछेंगे ये कौन सी रिसर्च है, या फिर आपको कोई एग्जाम्पल दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि ये एग्जाम्पल कौन सी रिसर्च का है, या फिर आपसे उसका कोई और नाम दे देंगे और आपको पूछेंगे ये कौन सी रिसर्च को बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल कंट्रोल्ड रिसर्च. सो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके नेट के पेपर में. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिसर्च. सो जो आपकी फर्स्ट रिसर्च है दैट इज फंडामेंटल रिसर्च. इसको बेसिक रिसर्च भी बोला जाता है एंड इसको प्योर रिसर्च भी बोला जाता है. आपकी ये फर्स्ट रिसर्च है तो ये सबसे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च है. वैसे तो इसमें अगर आप देखें इसको बेसिक रिसर्च क्यों बोला जाता है, इसको प्योर रिसर्च क्यों बोला जाता है, इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये आपकी आपका बेसिक स्टेप होता है कोई चीज़ जानने के लिए. आप फंडामेंटल रिसर्च में नॉलेज गेन करते हैं, जो कि आपका सेकेंड स्टेटमेंट है. इट इज़ अ रिसर्च विच इज़ बेस्ड ऑन बिल्डिंग समथिंग न्यू टू एनहेंस ह्यूमन नॉलेज. आप इसमें नॉलेज गेन करते हैं, आप इसमें थियोरी बिल्डअप करते हैं, आप इसमें कॉन्सेप्ट को देखते हैं. इट इज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड. आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं, यहाँ पर आप फंडामेंटल लॉज देखते हैं. ये बेसिकली आपकी जो रिसर्च है ये थियोरेटिकल है. यहाँ पर आप प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करते हैं, यहाँ पर आप उसको प्रैक्टिस में नहीं डालते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है थियोरेटिकल रिसर्च. इसको कॉन्सेप्ट बेस्ड रिसर्च भी इसलिए बोला जाता है. तो यहाँ पर आप प्रोवाइडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. यहाँ पर आप थ्योरेटिकल देखते हैं रिलेशनशिप, आप यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल में बात करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी रिसर्च को बेसिक रिसर्च बोला जाता है या फिर प्योर रिसर्च, तो आपको सीधा सीधा क्या आंसर देना है, फंडामेंटल रिसर्च. अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रिसर्च में कॉन्सेप्ट बेस्ड बात होती है, वो भी आपका है फंडामेंटल रिसर्च. या फिर आपसे पूछा जाए थ्योरेटिकल रिलेशनशिप कौन से रिसर्च में आता है, वो भी आपको होगा फंडामेंटल रिसर्च. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पर न्यूटन्स थ्योरी विच वाज एंटायरली न्यू एन एग्जाम्पल ऑफ हिज इमेजिनेशन एंड नॉलेज. जहाँ पर आप थियोरी बिल्डअप की बात करते हैं लाइक न्यूटन्स थियोरी है, यहाँ पर आपका मतलब होता है फंडामेंटल रिसर्च बिकॉज आप यहाँ पर थियोरी बिल्डिंग की बात करते हैं. और यहाँ पर आप जो एग्जिस्टिंग थियरीज हैं, जो थियरीज अभी हमारे पास चल रही हैं, उनमें भी न्यू डायमेंशन ढूंढने की बात करते हैं, तो ये सारा आपका होता है फंडामेंटल रिसर्च. यहाँ पर आप इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं, ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ये ज़रूर पढ़ें. सो आपका नेक्स्ट रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च. इससे भी आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं. अप्लाइड रिसर्च में अगर आप देखें तो इसका बेसिक जो आपका, अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊँ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च में, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च में आप उन प्रिंसिपल्स को लगाते हैं जो आप फंडामेंटल रिसर्च में बनाते हैं. तो जो प्रिंसिपल्स आपने, जो थियरीज आपने, जो कॉन्सेप्ट्स आपने बनाए हैं फंडामेंटल रिसर्च में, उनको अप्लाई आप कहाँ करेंगे, अप्लाइड रिसर्च में. तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है. सो यहाँ पर अगर आप अपना, अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज इन अप्लाइड रिसर्च, उसके प्रिंसिपल्स ही आप यूज़ करते हैं अप्लाइड रिसर्च में. फिर आता है आपका इट इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नोन थियोरीज इन एक्चुअल प्रैक्टिस. यहाँ भी आपका दूसरा डिफरेंस आ जाता है. जैसे कि मैंने आपको बोला है फंडामेंटल रिसर्च में कि वहाँ पर आप थियोरेटिकल लेवल में बात करते हैं, वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लेवल में बात करते हैं, तो अप्लाइड लेवल की बात जब आती है, जहाँ पर उसको प्रैक्टिस में लगाने की बात आती है, वहाँ पर आपका आता है अप्लाइड रिसर्च, वो आपका फंडामेंटल में नहीं आता. तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सेकेंड डिफरेंस है दैट इज
इन अप्लाइड रिसर्च आप उन लॉज को, आप उन थ्योरीज को प्रैक्टिस करते हैं, आप देखते हैं वो फंडामेंटल जो थ्योरीज बनाई गई हैं, जो कॉन्सेप्ट्स की बात करी गई है, जो नॉलेज की बात करी गई है फंडामेंटल रिसर्च में, क्या वो यूजफुल है। अगर वो यूजफुल है तो कैसे है, ये आप अप्लाइड रिसर्च में देखते हैं, जो कि आपका लास्ट पॉइंट भी है। इट प्रोवाइड्स द यूजफुलनेस ऑफ द थ्योरी। फिर आपका आता है दिस रिसर्च यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरीज टू फाइंड द प्रॉब्लम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। यहां पर भी वही बात हो रही है कि आप देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम में कितने अच्छे से कौन सा लॉ यूज हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो ये जो आपका फंडामेंटल रिसर्च है उसकी जो रिलेवेंस है, आप ये मान लीजिए वो आपको अप्लाइड रिसर्च में ही पता चलती है, बिकॉज वहां पर आप उसको यूज करते हैं। तो ये रहा आपका अप्लाइड रिसर्च। सो जो आपकी अब थर्ड रिसर्च है, दैट इज एक्शन रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च, जैसे आप नाम से ही देख सकते हैं, इसमें एक्शन लेने की बात हो रही है। और ये रिसर्च आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक्शन रिसर्च से दे आस्क यू अबाउट एक्शन रिसर्च, आपको इसके बारे में बहुत एग्जाम्पल्स भी आते हैं। मिड डे मील आपका बहुत एग्जाम्पल आता है इसमें जो एक्शन रिसर्च का है। तो आपको एक्शन रिसर्च पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां अगर हम देखें एक्शन रिसर्च के लिए जो बेसिक वर्ड्स, द मोस्ट फेमस वर्ड्स विच आर यूज फॉर एक्शन रिसर्च आर, इट फोकसेस मेनली ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन। इसमें आप क्या करते हैं, कुछ भी हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई क्राइसिस हुई है, उसमें क्या चीज करी जाए टू टैकल दैट थिंग, उसको कहते हैं आप एक्शन रिसर्च। इमीडिएट एप्लीकेशन, इमीडिएट एक्शन लेना किसी चीज को लेके, दैट इज एक्शन रिसर्च एंड नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। बेसिकली आप इसमें क्या करते हैं, इसमें आप जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन ढूंढते हैं इमीडिएट। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर द करंट प्रॉब्लम्स। Launches direct action with the objective of obtaining workable solutions to the given problems. यहाँ पर आप ऐसे actions लेते हैं, यहाँ पर आप ऐसे direct actions लेते हैं जिनके solutions आए निकल के, जो problem को ठीक कर पाए। तो आप उसमें best जो होता है आप उसका solution ढूंढते हैं। It is a process for studying practical problems of social studies. इसमें आप social studies की practical problems की भी study करते हैं। और ये जो है एक्शन रिसर्च, ये कुछ पर्टिकुलर जो एजुकेटर्स हैं उन्हीं के थ्रू करी जाती है, स्टूडेंट्स के थ्रू करी जाती है, कलीग्स के थ्रू करी जाती है, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं वही करते हैं। इट इज़ आल्सो क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। अगर आप देखें तो इसको क्लासिफाई किया गया है डेवलपमेंटल रिसर्च के अंडर भी। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द एनहेंस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो एक्शन रिसर्च लिया गया है, ये जो एग्जांपल लिया गया है, ये इसलिए लिया गया क्योंकि ये चीज देखने के लिए कि कितना पार्टिसिपेशन है कितना नहीं है, इसके लिए एकदम से उन्होंने एक एक्शन लिया, दैट इज उन्होंने एक इंटरव्यू सेशन को कंडक्ट कराया। तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च में आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने के लिए एकदम एक इमीडिएट एक्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। और यहां पर अगर आप देखें, ये सीक्वेंस आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, आपको ये किसी भी फॉर्म में दे दिया जाएगा और आपको ठीक से करना होगा इसे कि कैसे ये, कि क्या पहले आता है, पहले प्लान आता है या पहले ऑब्जर्व आता है या पहले रिफ्लेक्ट आता है। तो ये सीक्वेंस आप जरूर याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में हर दो साल में आता है ये क्वेश्चन, इस साल भी आ सकता है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, कि पहले प्लान आता है देन एक्ट आता है देन ऑब्जर्व आएगा देन आपका रिफ्लेक्ट आता है। तो ये था आपका एक्शन रिसर्च। इसमें जरूरी चीज आपको जो हमेशा याद रखनी है, दैट इज इमीडिएट एप्लीकेशन, ये हमेशा इमीडिएटली एप्लीकेशन होता है इसमें। देन कम्स योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इससे भी आपके बहुत क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को सबसे पहले तो लेबोरेटरी रिसर्च भी बोला जाता है, इसको ट्रीटमेंट वेरिएबल रिसर्च भी बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल रिसर्च भी बोला जाता है एंड मैनिपुलेटेड वेरिएबल रिसर्च भी बोला जाता है। ये सारे नाम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के हैं। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि ये नाम कौन सी रिसर्च का है। फॉर एग्जाम्पल दे मे आस्क यू कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल रिसर्च को कौन सी रिसर्च बोला जाता है, कौन सी रिसर्च का ये दूसरा नाम है, या फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल रिसर्च के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रीटमेंट वेरिएबल रिसर्च को क्या बोला जाता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको इसके सारे नाम पता होना जरूरी है।
एंड ये जो रिसर्च है ये मोस्टली लैबोरेटरीज में ही कंडक्ट करी जाती है. उसके बाद देर इज एवेल्युएशन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा टू आंसर हाउ एंड व्हाई इज इट, हाउ कैसे एंड क्यों ये हुआ है, आपसे ये रिसर्च में आपको बताना होता है. इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. यहाँ इस रिसर्च के थ्रू आपको पता चलता है कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप क्या है, वो आपको इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू पता चलता है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अगर आप देखें तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बहुत स्ट्रांग माना जाता है. एंड यहीं पर आपको पता चलता है कि कोई कॉज है तो वो क्यों है, कुछ हुआ है, कोई इफेक्ट आया है तो वो क्यों आया है, इनका क्या रिलेशन है आपस में. तो ये चीजें आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड में अच्छे से पता चलती हैं. देन आपका आता है इन दिस रिसर्च द इन्वेस्टिगेटर मैनिपुलेट्स कंडीशंस फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग देयर इफेक्ट ऑन बिहेवियर. आप ध्यान से देखिएगा, ये रिसर्च में जो इन्वेस्टिगेटर है जो रिसर्च कर रहा है वो कंडीशंस को, जब वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स लाने के लिए. तो यहाँ पर एक बार अगर आप देखें तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास 5 कॉजेज हैं और आपका जो इफेक्ट है, मैं चाहूँ तो मैं इन बाकी सारे कॉजेज को कंट्रोल कर सकती हूँ टू सी इसका इफेक्ट. तो दैट्स वाई दिस एक्सपेरिमेंटल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप conditions, that is law of single variable, जहां पर आप बाकी सारे जितने भी causes हैं, जितने भी independent variable हैं, आप experimental research में उनको control कर सकते हैं किसी एक को देखने के लिए, किसी एक cause का effect देखने के लिए आप बाकी सारे जो causes हैं उनको आप कर सकते हैं control. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि control group जो होता है, control group conditions जो होती हैं, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल जो होता है, इनका मीनिंग क्या है. इनका मीनिंग यह है कि वेन यू कैन इजिली कीप ऑल द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट एंड यू कैन रिसर्च थ्रू ओनली वन वेरिएबल, तो आप ये कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. यहाँ पर जैसे कि आपको लिखा ही है, इट हैज अ लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल विच मीन्स यूजिंग ओनली वन वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, उनको कंट्रोल किया गया है और आप सिर्फ एक वेरिएबल को यूज कर रहे हैं. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनमें से किसी से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू नीड टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दैट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल भी बोला जाता है, इसे कंट्रोल्ड ग्रुप भी बोला जाता है, और इससे बोला जाता है मैनिपुलेशन भी, कि यहाँ पर आपका मैनिपुलेशन भी आता है, क्योंकि जो जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है ही कैन वर्क थ्रू हिज ओन विल, वो ऐसे कर सकते हैं, दे कैन कंट्रोल द अदर वेरिएबल्स और एक वेरिएबल का वो देख सकते हैं क्या इफेक्ट है, उसका क्या यूज है. सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. और जो इसका आप अपोजिट रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहाँ पर आप कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं कि क्या क्या रिलेशनशिप है, कितना इफेक्ट है. अब जो जो अप्रोच आती है जो इसके अपोजिट जाती है, जो रिसर्च इसके अपोजिट जाती है, दैट इज द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. आपसे कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हिच रिसर्च इज नोन एज द अपोजिट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. और अगर आपसे ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल के लिए आया तो आप बोलेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. ये दोनों रिसर्च एक दूसरे के अपोजिट मानी जाती हैं. और क्यों मानी जाती हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का जो है, यहाँ पर ये रिसर्च हमेशा होती है कुछ होने के बाद, जब कुछ हो जाता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है एक्सीडेंट रिपोर्ट. एक्सीडेंट जब हो जाता है तभी आप उसका रिसर्च करते हैं कि कैसे हुआ है, आप उसके कॉजेज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, या तो क्या ये रोड एक्सीडेंट था किसी, या फिर ये प्लेन एक्सीडेंट है, या फिर क्या है. तो आप एक इफेक्ट के होने के बाद, जब इफेक्ट हो जाता है आपके इफेक्ट के बाद ही आप उसके कॉज ढूंढते हैं. तो दिस रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड आफ्टर द फैक्ट रिसर्च. आप नाम में देखिए, जब कुछ हो जा रहा है उसके बाद आप रिसर्च कर रहे हैं ये क्यों हुआ. So this research is basically opposite of the experimental research. First point is that. Secondly, it is also called after the fact research. Thirdly,
इट इज़ अ रिसर्च इन विच द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फैक्ट. जब आप फैक्ट को पढ़ लेते हैं, आप देख लेते हैं कि ये हुआ है, अब ये क्यों हुआ होगा आपको ये भी जानना है, तो आप ये जानते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंडर. और यहाँ पर आप अपने कॉजेज को कंट्रोल नहीं कर सकते. ऑब्वियसली आप कैसे कंट्रोल करेंगे जहाँ पर पहले ही क्राइसिस हो गया है, जहाँ पर इफेक्ट पहले से हो गया है. यू कांट कंट्रोल द कॉजेज देयर बिकॉज आपको कॉजेज बाद में सर्च करने हैं. सो इन अदर वर्ड्स दिस रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट. जब आपका इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद ही आप ये रिसर्च को करते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनिपुलेट the characteristics of human participants or we can say control on the behavior of independent variable cause is very weak or not possible. देखिए जो मैंने आपको बोला है ये वही है कि आप कभी भी एक्सपोज फैक्टो रिसर्च में अपने कॉजेज को कंट्रोल नहीं कर सकते. आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज जब कोई चीज़ कोई इंसिडेंट हो चुका है, हाउ कैन यू कंट्रोल द कॉजेज. आपको तो कॉजेस बाद में फाइंड करने हैं कि ये क्यों हुआ होगा. यू बेसिकली गो बैक, आप इसमें पीछे जाते हैं. पहले फैक्ट होगा, पहले इफेक्ट होगा, उसके बाद आप जाते हैं कॉजेस कैलकुलेट करने में कि ये क्यों हुआ है. तो यहां पर आप देखें तो यहां पर आपके जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो बहुत वीक हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. तो यहाँ पर जो कंट्रोल वाला फिनोमिना है जो कि यूज़ किया जाता है आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, वो बहुत वीक होता है. सो दिस रिसर्च टाइप गोज फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इस रिसर्च में आप जाते हैं इफेक्ट से कॉज में. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक्सीडेंट रिपोर्ट. पहले एक्सीडेंट होता है, उसके बाद आप कॉज ढूंढते हैं. ये इसका बेस्ट एग्जांपल है. तो ये था आपका एक्सपोज फैक्टो रिसर्च, जो कि आपका अपोजिट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के. इसके भी आप नाम जरूर याद कर लीजिएगा कि इसको आफ्टर द फैक्ट रिसर्च बोला जाता है और यहाँ पर मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं होता है. यहाँ पर आप इफेक्ट से कॉज में जाते हैं. सो द नेक्स्ट रिसर्च इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल रिसर्च. इसमें आपको पता ही है, आप इसमें पास्ट के जो फैक्ट्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनके थ्रू बात करते हैं. इट इज अ क्रिटिकल इंक्वायरी इनटू पास्ट इवेंट्स. यहाँ पर आप प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज से काम करते हैं, कुछ इंटरव्यू से काम कर सकते हैं, या फिर आप पुरानी बुक्स जो होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं पुराने, आप वो देख के यहाँ पर रिसर्च करते हैं. इट इज अ रिसर्च विच इज अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस. पास्ट में पहले क्या हुआ है उसके थ्रू ही आप काम करेंगे. पहले जो हुआ है पास्ट में उसी के थ्रू. दिस रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ द पास्ट एंड इट्स मीनिंग इन द लाइट ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम. आप इस रिसर्च को यूज करते हैं, जो पहले एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो पहले चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को आप प्रेजेंट की प्रॉब्लम में कैसे उनका सोल्यूशन हो आप वो लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल पहले जैसे कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कहीं पर कुछ क्राइसिस हुई है, उसको आपने कैसे टैकल किया, उसका आपको जो एक्सपीरियंस है आप वो अपनी प्रेजेंट क्राइसिस में लगा सकते हैं. दैट हाउ कैन यू यूज दैट एक्सपीरियंस दैट सोल्यूशन इन योर करंट प्रॉब्लम. सो दिस इज द हिस्टोरिकल रिसर्च विच इज वेरी इजी. इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो बहुत ईजी आएगा. नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, जिसमें सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है आप दोनों में ही कंट्रोल वेरिएबल्स नहीं होते हैं. यहाँ पर आप कॉजेस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. So let's start the descriptive research now. Its main focus is to provide the description of the state of affairs as it exists at present. यहाँ पर आप बात करते हैं what की, ना कि why की. आप यहाँ पर describe करते हैं, explain नहीं करते. यहाँ पर आप what की बात करते हैं, बट आप यहाँ पर why की बात कभी नहीं करेंगे. यहाँ पर आप description देते हैं किसी चीज़ का. और इस research में basically आप control नहीं कर सकते variables को, अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स. ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिए कि इसमें अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स आते हैं. ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए हैं, पेपर में क्वेश्चंस आपका इन्हीं से पूछा जाता है मोस्टली कि अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स कौन सी रिसर्च में है, किस रिसर्च में आप सिर्फ व्हाट की बात करते हैं, वाई को डिस्कस नहीं करते हैं, विच रिसर्च टॉक्स अबाउट व्हाट ऑफ द रिसर्च एंड नॉट वाई ऑफ द रिसर्च, विच रिसर्च talks about uncontrolled variables. So आपका answer होगा descriptive research. तो ये सारा आपका part आता है descriptive research में.
और यही आपकी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसके लिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, द कंक्लूजंस एंड फाइंडिंग्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज्ड इनटू अदर सिचुएशंस. अब यहाँ आप देखिए कुछ हुए इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं उसको आप कोई और सिचुएशन में नहीं डाल सकते, बिकॉज यहाँ पर भी आप कॉजेज को कंट्रोल नहीं कर सकते. यहाँ पर भी कुछ क्राइसिस हुई है, आप उसकी कॉजेस को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप उसका सोल्यूशन भी कहीं और नहीं डाल सकते. देन कम्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो ये जो आपको हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं ये आपके इन्हीं से आए हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च से आए हैं और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं जो कि आपको आने बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन आपके दोबारा भी आने की पॉसिबिलिटी है. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट evidence of cause and effect relationship between independent and dependent variable. It's a very direct question. यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सी ऐसी जो आपकी रिसर्च है, कौन सी ऐसी आपकी अप्रोच है रिसर्च की जहां पर आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का. इंडिपेंडेंट दैट इज द कॉज और आपका डिपेंडेंट है दैट इज इफेक्ट. तो आप किस में देखते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग, ये हमने पॉइंट डिस्कस किया है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. अगर आप अपनी वीडियो को बैक में देखेंगे तो आप जानेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं. ये जो अप्रोच है इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है क्योंकि यहां पर आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, वेरिएबल्स कैन बी कंट्रोल्ड ऑल्सो, वेरिएबल्स कैन बी मैनिपुलेटेड ऑल्सो, आप उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. देयर इज लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल्स ऑल्सो, आप वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट में क्या रिलेशनशिप है, कितना रिलेशनशिप है. तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इज द वन जहां पर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप सबसे ज्यादा हाई रहता है. देन कम द सेकेंड क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इजी. जियान पेगेट गेव अ थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इन्होंने एक थियरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जिसका बेसिस है. अब देखिए यहाँ बात हो रही है थियरी देने की. अगर आपने पढ़ा हो हमने थियरी की बात कहाँ करी थी कि किसी ने थियरी दी है, कोई थियरी डेवलप हुई है, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, थ्योरेटिकल वे की बात हो रही है, तो वह हमने बात करी थी फंडामेंटल रिसर्च में. हमने वहाँ क्या बात करी थी, थ्योरी से रिलेटेड, दैट इज थ्योरी का डेवलप हो रहा है, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, थ्योरेटिकल वे की बात हो रही है. तो आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं एक क्वेश्चन में, कोई लाइन, जैसे यहाँ थ्योरी आपका काम आ गया, यहाँ पर आपका काम आ गया रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपका एक्सपेरिमेंटल में हाई होता है, वैसे ही आपका यहाँ पर काम आ गया थ्योरी वर्ड कि यहाँ पर बात हो रही है एक थ्योरी को देने की, तो वहां पर आपका जाता है फंडामेंटल रिसर्च. क्योंकि आप फंडामेंटल रिसर्च में, बेसिक रिसर्च में, प्योर रिसर्च में आप हमेशा बात करते हैं थ्योरी की, कि थ्योरी कैसे बिल्डअप हुई है, थ्योरी कैसे आई है, कॉन्सेप्ट आया है, थ्योरेटिकल वे की आप बात करते हैं. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंक्लूजंस फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू अदर सिचुएशंस. या आपसे पूछा गया है कौन सी ऐसी जो टाइप है रिसर्च की जिसके आप सिचुएशंस को आप जनरलाइज नहीं कर सकते. उसका मीनिंग ये है कि आप उसके जो कंक्लूजन्स हैं, उसकी जो सिचुएशंस हैं, मे बी जो उसको सॉल्यूशंस हैं, आप उनको, उसकी फाइंडिंग्स को आप कहीं और नहीं लगा सकते. ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, जहां पर आप कंट्रोल वेरिएबल्स को, जहां पर आप वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज नॉन, जहां पर आपका जो आपके वेरिएबल्स है दे कांट बी कंट्रोल्ड. तो अगर आप देखें तो आपकी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसका आंसर होगा, बिकॉज इसमें आप जनरलाइज नहीं कर सकते कंक्लूजन्स को दूसरी सिचुएशन में भी. हर सिचुएशन का इसमें अलग अलग अपना अपना कंक्लूजन निकलता है. तो ये क्वेश्चन आपके आए हैं लास्ट ईयर पेपर्स में जो कि आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च से आए हैं. क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं आपके, आपसे पूछा जाएगा इनके फीचर के बारे में, या आपसे पूछा जाएगा इनके कॉज इफेक्ट के बारे में, आपसे पूछा जाएगा कि इनका दूसरा नाम क्या, या फिर आपसे इनके की फीचर्स पूछे जाएंगे. सो द लास्ट क्वेश्चन इज जो आपको खुद सॉल्व करना है, द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज. ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत इमीडिएट होता है, वेदर इट इज एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो आपको ये आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.